नमस्कार दोस्तों, तो आज हम देख रहे हैं पार्ट 7 ऑफ वेब डेवलपमेंट सीरीज, जो कि पूरी हिंदी में है और कोई भी इसे वेब डेवलपमेंट अच्छी तरीके से सीख सकता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने समझा था एचटीएमएल के बारे में, पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन एचटीएमएल का पूरे वेब डेवलपमेंट में क्या रोल है, तो उसके बारे में हमने डिटेल में समझा था। तो आज हम समझने वाले हैं कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्या होता है। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के बारे में सबसे पहले समझेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि एचटीएमएल टैग क्या होता है। पूरे एचटीएमएल को अगर एक वर्ड में हमें समराइज करना हो ना, तो हम बोल सकते हैं कि टैगिंग। ठीक है, जो भी हमें वेबसाइट पे कंटेंट दिखता है उसको हमने समझा था कि स्ट्रक्चर करने के लिए हम यूज करते हैं एचटीएमएल को। डिफरेंट डिफरेंट टैग होते हैं एचटीएमएल में, उसके बारे में हम आगे चल के समझने वाले हैं। बट सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि टैग क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि एलिमेंट क्या होता है और टैग और एलिमेंट में मतलब क्या फर्क है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज और वैल्यूज जो कि हम अप्लाई करेंगे एलिमेंट पर, तो उसके बारे में हम समझेंगे अभी। सबसे पहले समझो अभी कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्या होता है। हमने वेबसाइट को कंपेयर किया था बुक से, जैसे कि कोई किसी पर्सन की ऑटोबायोग्राफी है, तो उस पेज में बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, जैसे कि 1000 पेजेस हो सकते हैं उस बुक में, राइट। तो हर एक पेज को हमने कंपेयर किया था, उस बुक का पेज मतलब वेब पेज और वेबसाइट मतलब बुक। ठीक है, तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट मतलब जिस फाइल में हम हमारा एचटीएमएल कोड लिखेंगे ना, दैट इज नथिंग बट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। जैसे कि अभी हम चलते हैं विकिपीडिया पे एग्जांपल देने के लिए। ठीक है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा विकिपीडिया का मेन पेज। तो मेन पेज दिख रहे हो आप, तो ये जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, दिस इज वन डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो भी कंटेंट हमें इस पे दिख रहा है, कुछ टेक्स्ट भी है, कुछ इमेजेस भी है, बहुत सारे लिंक्स भी है। जैसे आप किसी दूसरे लिंक पे क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो पेज चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे चले गए। तो डॉक्यूमेंट का मतलब यही है कि जो हम एचटीएमएल फाइल बनाएंगे उसमें एचटीएमएल कोड लिखेंगे, दैट विल बी आवर डॉक्यूमेंट। ठीक है, आगे चल के जब हम कोड लिखेंगे तो आपको और चीजें क्लियर होंगे। और जो फाइल में हम कोड लिखेंगे, उस फाइल का हमें एक्सटेंशन रखना पड़ेगा .html और .htm, बट मोस्ट प्रोबेबली हम यूज करेंगे .html को, प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन के बारे में आपको नहीं पता तो सिंपल बता दूं, तो फोल्डर क्रिएट करते हैं इधर एक, लेट्स कॉल इट डेटा। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाया, अगर आपको नहीं पता है तो कीबोर्ड शॉर्टकट हमने यूज किया। और इधर हम एक नई फाइल क्रिएट कर देंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, राइट क्लिक किया मैंने न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब दिस विल बी टेक्स्ट फाइल। ठीक है, आपके केस में एक्सटेंशन हो सकता है नहीं दिखे, तो इसको हम नाम देंगे डेमो। आपके केस में अगर एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है तो आपको जाना है व्यू पे ऊपर, और इधर आपको चेक करना है इस चेकबॉक्स को, फाइल नेम एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे आप उसको चेक करोगे तो आपके केस में उसको एक्सटेंशन दिख जाएगा आपको, तो लार्ज आइकॉन कर सकते हो .txt। ठीक है, तो हमारे केस में एक्सटेंशन क्या रहेगा, जो भी हमारे फाइल का नाम है और .html। ओके, तो आगे चलते हैं। तो आगे जब हम कोड लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बॉयलर प्लेट कोड, तो आपको और चीजें क्लियर होंगी अभी। ठीक है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगला देखते हैं कि एचटीएमएल टैग क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टैग का मतलब क्या है, तो हम सर्च करेंगे टैग मीनिंग। तो टैग का मतलब क्या, स्मॉल पीस ऑफ कार्ड मटेरियल फास्टन टू समथिंग टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट, अ लेबल। समझ रहे हो बात को, जब हम कोई नए कपड़े वगैरह खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आपने जीन्स खरीदी नहीं, तो उस पे टैग आता है ना, जैसे हमने इस इमेज में दिखाया है, तो ऐसे टैग आता है उस पे, मतलब उस जीन्स के मतलब कहाँ मैन्युफैक्चर हुई, वॉशिंग के लिए आपको क्या क्या मतलब केयर करनी है, या फिर ड्राई क्लीन करनी है, या फिर नॉर्मल वॉश कर सकते हो का, मतलब ऑल द डिटेल्स अबाउट दैट प्रोडक्ट विल बी ऑन दिस टैग, राइट। तो समझो बात को, जो हम वेबसाइट पे वेब पेज पे कंटेंट दिखाएंगे ना, तो वो कंटेंट कैसे दिखाना है उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टैग्स अवेलेबल है। उस टैग को हमें उस कंटेंट से मतलब कंटेंट पे लगा देना है, तो कंटेंट मतलब कुछ अलग दिखेगा हमें। ठीक है, ठीक है, तो फिर से हम विकिपीडिया पे चलते हैं, आपको मैं एग्जांपल दूंगा, एंड कन्फ्यूज नहीं होना इसमें, जब हम एक्चुअल में कोड लिखेंगे ना आगे चल के, तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। तो अब इसका सोर्स कोड देख रहा है हमें, फॉर एग्जाम्पल इस वेब पेज पे चलते हैं हम विकिपीडिया पे, और ये जो पूरा दिख रहा है ना हमें मतलब स्क्रीन पे अभी, ये पूरा डिजाइन करा गया है HTML, CSS और JavaScript में। और अगर आपको इसका कोड देखना है ना, तो आप प्रेस करोगे कंट्रोल और यू, तो आपको इसका पूरा सोर्स कोड दिख जाएगा। तो जो टैगिंग की हमने बात करी, तो इधर देखो अभी सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, वेलकम टू विकिपीडिया, इधर एक लिंक भी दिख रहा है। तो वेलकम टू विकिपीडिया एक कॉन्टेंट है, कुछ टेक्स्ट है, ये है ये सोर्स कोड में लिखा होगा किसी ना किसी टैग के अंदर। ठीक है, तो हम इसे सर्च करेंगे कंट्रोल एफ, वेलकम टू विकिपीडिया। ठीक है, देख रहे हो एक टैग है ड्यू नाम का,
अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि टैग का मतलब क्या, ठीक है। तो कंटेंट हमारा क्या है, वेलकम टू और विकिपीडिया। तो ये देख रहे हो आप, H1 कोई टैग है, स्पैन कोई टैग है, ड्यू कोई टैग है दूसरा एक, ठीक है, जितने भी दिख रहे हैं ना एंगुलर ब्रैकेट में आपको, तो सारे टैग है इधर, ठीक है। यही दिखाना चाहता था मैं आपको, जब हम एक्चुअल कोड लिखेंगे अभी तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। तो टैग का बेसिक सिंटैक्स जो होगा ना, जो भी कंटेंट रहेगा हमारा इन टैग्स के अंदर रहेगा। और टैग्स के भी इधर दो टाइप्स होंगे, एक होगा एम्प्टी टैग और एक होगा नॉन एम्प्टी टैग। नॉन एम्प्टी टैग के केस में हम टैग को मतलब स्टार्ट भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे, और नॉन एम्प्टी टैग के केस में होता है सिर्फ हम टैग नेम लिखेंगे। जैसे कि हम फिर से विकिपीडिया पे चलेंगे, आपको समझाने के लिए मैं दिखा था उधर, ठीक है। एंड डोंट वरी, इसके बारे में हम डिटेल में, एक एक टैग के बारे में हम डिटेल में समझने वाले आगे चल के, ओके। तो इधर देख सकते हो आप, एक टैग हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, टाइटल टैग। तो टाइटल टैग को हम यूज करते हैं पेज का टाइटल सेट करने के लिए। जो आपको इधर टैब पे दिख रहा है ना, विकिपीडिया द फ्री इंसाइक्लोपीडिया, तो उसको हम सेट करते हैं हमारे वेब पेज पे डॉक्यूमेंट में यूजिंग टाइटल टैग। तो टाइटल टैग एक नॉन एम्प्टी टैग है, स्टार्ट भी हो रहा है और एंड भी हो रहा है। ये बेसिक सिंटैक्स रहता है, मतलब एंगुलर ब्रैकेट, टैग का नाम, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और फिर हमारा कंटेंट आएगा, जैसे कि हमने इधर देखा अभी, ठीक है, और फिर मतलब क्लोज। तो ये हुआ नॉन एम्प्टी टैग। और एम्प्टी टैग का सिंटैक्स ये रहेगा, मतलब बेसिक जो फॉर्मेट रहेगा, मेटा टैग देख सकते हो आप। तो मेटा टैग की जो हमने बात करी, उसका सिर्फ स्टार्ट हो रहा है बट क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है। इधर शायद ये मिस कर दिया है फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, तो उसको समझ लो आप। तो ये दो टाइप के टैग रहेंगे सिर्फ, ओके, पूरे एचटीएमएल में। अब समझो इसी टैग पे हम प्रॉपर्टीज और वैल्यू को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी एंड वैल्यू आर नथिंग बट जो भी कंटेंट हम दिखाएंगे ना, वो कंटेंट की हम कुछ प्रॉपर्टीज और वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे कि फिर से हम उस एग्जाम्पल पे चलेंगे, तो आप इधर देख सकते हो मेटा टैग में कुछ प्रॉपर्टी है और उसकी कुछ वैल्यू सेट करी है। अब इधर कैर सेट बोला है उन्होंने, कैर सेट इज इक्वल टू UTF-8। तो मेटा टैग एक HTML में टैग होता है जिसको यूज करके हम हमारे वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन सेट कर सकते हैं। तो कैर सेट मतलब ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि जो पूरे कैरेक्टर्स, मतलब जो कैरेक्टर इनकोडिंग हम यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वेब पेज में, दैट विल बी UTF-8। तो UTF-8 एक इनकोडिंग सिस्टम है, कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम है जिस जो कि हम मतलब कॉमनली यूज होती है। तो उस मतलब ब्राउजर को बताने के लिए हमारे हम वो मतलब इधर मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। बट अभी के लिए इतना समझ सकते हो कि हमारे ब्राउजर और HTML बहुत अच्छे दोस्त है। मतलब हमारा ब्राउजर को पता होता है कि HTML को कैसे रीड करना है और उसको कैसे डिस्प्ले करना है। तो ब्राउजर को जो मिलता है ना, मतलब सर्वर से, वो ऐसे मिलता है और ब्राउजर हमें ऐसे दिखाता है, देख रहे हो। तो मतलब कितनी अच्छी दोस्ती है इनको दोनों की, ओके। तो प्रॉपर्टी और वैल्यू भी हमें मतलब थोड़ी सी क्लैरिटी आई इस पे। अब जब हम एक्चुअल कोड लिखेंगे ना, तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। और HTML एलिमेंट का सिंपल मतलब, जैसे कि हमने उधर टाइटल टैग देखा ना विकिपीडिया पेज पे, तो टाइटल टैग में जो कंटेंट था वो पूरा, मतलब जैसे कि टैग स्टार्ट भी हो रहा है, एंड भी हो रहा है, उसको कुछ प्रॉपर्टीज वैल्यू हो सकती है और कुछ कंटेंट भी होगा, तो पूरे को हम इसको बोलते हैं HTML एलिमेंट, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो से हम मतलब एक्चुअल बॉयलर प्लेट कोड जो बोलते हैं हम HTML का, वो लिखने वाले, और एक एक टैग के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इधर हमने टैग देखे ना, ये जैसे कि ये डॉक टाइप HTML क्या होता है, HTML टैग क्या होता है, हेड टैग क्या होता है, टाइटल स्क्रिप्ट, मतलब हर एक टैग के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है इसके बारे में मतलब डिटेल में, बॉयलर प्लेट नाम उसका क्यों पड़ा इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। कोई भी दिक्कत जा रही है इसको समझने में, उसके बारे में कमेंट कर सकते हो आप, तो और भी कुछ एग्जांपल लेके आपको मैं समझा सकूंगा। कोई ज्यादा हमने डीप में बात नहीं करी, अगली वीडियो में हम एक्चुअल कोड लिखेंगे, तो मतलब आपको चीजें और क्लियर होंगी। अदर देन दिस, दूसरा कोई टॉपिक आप समझना चाहते हो तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो, तो उसको भी हम बड़ी आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।